मुंबई में सड़कें बनी समंदर, 11 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द, आज फिर भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में सड़कें बनी समंदर, 11 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द, आज फिर भारी बारिश का अलर्ट। नई दिल्ली, लगातार के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हमेशा न रुकने वाली मुंबई बारिश की वजह से थम गई है। हालांकि ये स्थिति आज की नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है। आखिर मुंबई वासियों को ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाता। कल एक बार फिर वही स्थिति थी। जो घर में थे वो घर में फंस गए, जो दफ्तर में थे वो दफ्तर में फंस गए, और जो सड़क पर थे उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। जलभाव से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस बारिश में 1 जून से लेकर अब तक कुल 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 56 लोग घायल हो गए हैं। 19 लोगों की मौत डूबने से हो गई, 6 लोग पेड़ गिरने से और 3 लोग कट लगने मर गए। अंधेरी में पुल गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। क्या बस, क्या ट्रेन, यातायात की सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी रेलवे WR के एक हिस्से में पटरियों पर पानी भरने की वजह से उपनगरीय सेवा निलंबित कर दी गई और लंबी दूरी वाली कई ट्रेन सेवाएं और इंटरसिटी एक्सप्रेस या तो विलंब से चल रही हैं या रद्द कर दी गई हैं। भारी बारिश की वजह से शहर और इसके पड़ोसी जिले पालघर और ठाणे के निचले इलाके की कई सड़कों और गलियों में पानी भर गया है। कुछ स्थानों पर लोग कमर तक गहरे पानी में चलते देखे गए। शहर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करने वाली सबसे बड़ी तुलसी झील में पानी लबालब भर गया है और यह उफनकर ऊपर बह रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बृहस्पतिवार तक भारी और भीषण बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मुंबई के लिए बारिश का स्तर दर्ज करने वाली IMD कोलाबा वैधशाला ने कल 8:30 से आज 8:30 तक यानी 24 घंटे में 165.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। उपनगरीय मुंबई में बारिश का स्तर दर्ज करने वाली सांताक्रूज वैधशाला ने इसी दौरान 184 मिमी बारिश दर्ज की। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि कल रात से 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इससे रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। इन तस्वीरों को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि दिल्ली कूड़े के ढेर में दबी हुई है और मुंबई बारिश के पानी में डूबती जा रही है, लेकिन राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं। इस फटकार के बाद भी स्थिति कुछ बदली नहीं है।